हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ अगले नेक्स्ट पार्ट। अगर पहला इसके पहले वाला पार्ट आप नहीं देखे, जाके प्लेलिस्ट में सारा पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया गया। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से और अभी से जुट जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी से समझ लीजिए आपका तैयारी आज से ही स्टार्ट है। तो आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, चतुष्फल की स्थिति, ये एक रिक्ति, सॉरी, चतुष्फल की रिक्ति क्या होता है, चतुष्फल की रिक्ति क्या होता है ना, और अष्टफल की रिक्ति क्या होता है। इन सब के बारे में जानने से पहले एक आप और देख लीजिए, यहाँ पर रिक्ति रिक्ति क्या होती है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जानना यही जरूरी है कि रिक्ति क्या होती है। जब ठोस कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त या खाली होता है, उसे क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। जैसे कोई ठोस कण है, उनके व्यवस्थित किया जाता है, उस ठोस कण को क्या किया जाता है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाता है। जो कण होते हैं उसको व्यवस्थित किया जाता है, उन कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त या खाली होता है, उसे क्या कहते हैं, रिक्त कहते हैं। तो रिक्तियाँ के प्रकार, रिक्त दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है वह चतुष्फलकीय, क्या होता है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय रिक्ति होता है। और एक और होता है, दूसरा अष्टफलकीय रिक्ति, क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्ति। तो दो रिक्तियां होती हैं। अब इन दोनों के बारे में हम नॉलेज लेंगे, ज्ञान लेंगे, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन पढ़ना सब कुछ जरूरी है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट तक पढ़ाऊँगा। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होता है, जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे हों। जैसे मान लेते हैं एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हुआ, एक गोला ये हुआ। जब तीन गोलों को परस्पर सटा कर रखे हो तो उनके ऊपर कोई चौथा गोला रख दिया जाता है, उनके ऊपर रख दो चौथा गोला, चौथा गोला रख दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो रिक्ति प्राप्त होता है उससे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। यानी कि रिक्त देखो यहाँ पर बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह पर बन रहा है, उसे क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय। जो बीच में जगह बन जाता है, कोई तीन गोला है उसके ऊपर एक गोला और रख देते हैं, तो बीच में जो जगह बनता है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी में दूसरा है अष्टफलकीय रिक्ति, क्या है, अष्टफलकीय रिक्ति। जब तीन गोले, यानी कि कितने गोले, तीन गोले, ठीक है, मान लेते हैं तीन गोला कोई, जब तीन गोले परस्पर संपर्क में रखें तो उनके ऊपर पुनः तीन गोले, यानी कि तीन गोले को पहले मैं रख देता हूँ, एक गोला हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। जब तीन गोले रख दिए हैं और इनके ऊपर भी तीन गोले और रख दिए जाते हैं, देखो तीन गोला और रख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक गोला ये हुआ, एक गोला ये हुआ और अगला गोला ये हुआ, तीन गोला और रख दिया जाता है। तो जो स्थान बचता है, जो रिक्त स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं, चतुष्फल अष्टफलकीय कहते हैं, क्या कहते हैं, अष्टफलकीय कहते हैं। देखिए बीच में जगह थोड़ा सा बच रहा है, आपको कम दिखता होगा, तो आप सब अच्छे से करिएगा, गोला बड़ा बड़ा करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, यहाँ बीच में थोड़ा सा जगह बन रहा है, वही क्या हो गया, अष्टफलकीय रिक्ति हो गया, क्या हो गया, अष्टफलकीय रिक्ति हो गया, ठीक है। अब इसी में अगला है चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति में संबंध, दोनों में संबंध पूछ लेता है कभी कभी, तो दोनों में संबंध जानना के लिए बेहद जरूरी है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति की दोगुनी होती है, देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति की दोगुनी होती है, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति की दोगुनी होती है। तो मान लेते हैं कोई अष्टफलकीय रिक्ति यन है और चतुष्फलकीय रिक्ति टू यन हुआ, यानी कि चतुष्फलकीय ज़्यादा है किससे, अष्टफलकीय से दो गुना ज़्यादा है, कौन सा, चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति ज़्यादा है। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपको इस बार बहुत ही कुछ करने वाला हूँ, आप सब लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, और लास्ट तक आप सब पूर्ण रूप से देख चुके होंगे, मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप से
आप इस वीडियो को देखें ही ना, बल्कि लिखें, अपने कॉपी में लिखकर समझे सोचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।